आप उसमें डालेंगे तो उसमें लोन सेंक्शन होता था क्रेडिट कार्ड के रूप में 10,000, 5,000, 7,000, 6,000 तक। और वो आदमी का सर लाइव फोटो लगे अलग किसी हीरो का भी फोटो डाल देंगे तो वो लोन अप्लाई हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता था, वो वेरीफाई क्लियर था कि धनी पे रहता हूँ, धनी पे। हाँ, और उसके बारे में सर वो कहीं से सिक्योरिटी नहीं था कि वो आधार पे आधार लिंक पे ओटीपी जाएगा या आदमी रहेगा उसका लाइव फोटो लगेगा तभी ये लोन सेंक्शन होगा या क्रेडिट कार्ड उसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं था सिक्योरिटी सर। धनी पे जो था जी, इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए? इसमें ये सुधार होना चाहिए कि सर वो जो जब तक वो इंसान ना हो जिसका आधार कार्ड लगे तब तक वो लोन सेंक्शन ना हो, क्रेडिट कार्ड न हो, क्रेडिट कार्ड। तो आप लोगों ने अब तक केवल धनी पे से ही किया? सर सिर्फ यही था सर, और किसी बैंक से? किसी बैंक से नहीं, किसी बैंक से नहीं, किसी अकाउंट से। तो आप मानते हैं कि जो ऐप बना उसमें खामियां थी? हाँ जी, बहुत बड़ी खामियां थी। इसलिए सर हमने पहले आपका नंबर पटका गया सर, तो थोड़ा सा बाकी आपके अकाउंट से कोई मतलब क्या है, बस आपका आधार कार्ड छाया रहेगा। अब तक कितने लोगों किया होगा था सर? हमने 30 लोगों। कितना मार्क है बजट? अरे कितना है गांधी जी को टोल करोगे? 150 लाख। कितनी शिक्षा होगी? कितनी शिक्षा है आपकी? ठीक है। आज जनपद चंदौली की स्वाट व सर्विलांस टीम ने मिलकर के 6-7 अपराधियों को पकड़ा है जो धनी ऐप के माध्यम से पैसा दूसरे के खाते से ट्रांसफर करते थे और उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड ये फ्रॉड करके एकत्र कर लेते थे। इनमें से ऐसे पकड़े गए अपराधियों में से ऐसे लोग भी हैं जो कई संस्थाओं से, बैंकों से जुड़े हुए थे, जो लोन भी करवाते थे। लोन करवाने के लिए जो लोग जाते थे उनके ये आधार कार्ड पैन कार्ड किसी माध्यम से फ्रॉड करके प्राप्त कर लेते थे और इस जो धनी ऐप है इसके माध्यम से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करके उससे ये लोग गबन का काम करते थे। कैसे इनका काम का तरीका क्या था? ये दूसरे का आधार कार्ड पैन कार्ड एकत्र कर लेते थे, जो लोन का सिस्टम है या जो मोबाइल खरीदने के लिए जो आधार कार्ड पैन कार्ड, एटीएम खरीदने के एटीएम बनवाने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो लगता है वहाँ से ये सर्विस सेंटर से आधार कार्ड और पैन कार्ड एकत्र कर लेते थे और उसके माध्यम से ये फ्रॉड करके फर्जी खाता खोल करके ग्राहकों का। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? अभी तक का आज तक पूछताछ में इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं हुई है, इसकी जांच चल रही है। कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या बरामद? 6 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से 94,920 रुपए पकड़े गए हैं, बरामद हुए हैं। 20 मोबाइल सेट बरामद हुई है जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। चेकबुक, पैन कार्ड, सिम कार्ड और आधार कार्ड सहित कई और सामग्री पकड़ी गई है। क्या जानकारी है, शिक्षित हैं या किस लिए काम करते हैं? ये जल्दी पैसा इकट्ठा करने के लिए, धनी बनने के लिए, जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाए, धनी बन जाए, इसलिए ये लालच में फ्रॉड करके और फर्जी तरीके से पैसा इकट्ठा करते थे। आगे किस कार्रवाई की जा रही है? आगे इनके खिलाफ विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखा गया है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर आगे गैंगस्टर या और जो भी कार्रवाई उचित होगी की जाएगी। जो अब तक निकल कर सामने आया कि ये सिर्फ और सिर्फ धनी ऐप के जरिए फ्रॉड करते थे, तो क्या कंपनी से भी संपर्क कर उन्हें भी आगाह किया जाएगा जो लूज फूल निकलते थे? जो धनी ऐप है उसमें इनसे पूछताछ में धनी ऐप में कुछ खामियां इन लोगों ने बताई कि ये कमी थी जिसका लूज फूल्स थे उस ऐप में, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठा करके पैसा अपने खाते में ट्रांसफर किया है। ऐसे जो उसके लूज फूल्स हैं, जो ऐप की कमियां हैं, उसके बारे में हम लोग संबंधित को संपर्क करके उनको अवगत कराएंगे, कमियों को दूर कराने का प्रयास किया जाएगा।